दुनिया तक पर देखिए टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। आए दिन यूट्यूबर्स के ऐसे ऐसे कारनामे वायरल हो जाते हैं जिसे सुनकर और देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक कारनामा सामने आया है अमेरिका से, जब अमेरिका के यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट 50 घंटे तक जमीन के अंदर एक ताबूत में जिंदा दफन रहे। ताबूत के अंदर लगे कैमरों ने मिस्टर बीस्ट को अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड किया है। करीब 2 दिनों तक जमीन के अंदर दफन रहने की पूरी घटना को यूट्यूब पर कुछ मिनटों का वीडियो बनाकर दिखाया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि ताबूत के अंदर मिस्टर बीस्ट के पास एक कंबल है, कुछ खाने का सामान है और एक तकिया है। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी सामान भी हैं। YouTube पर इस वीडियो को पोस्ट किए जाने के बाद से अब तक करीब 5.5 करोड़ लोग इसे देख चुके हैं। वहीं साइप्रस से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। दुल्हन ने शादी के दौरान ऐसी ड्रेस पहनी जिससे उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ये 7 किलोमीटर लंबी ड्रेस थी जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ड्रेस के साथ महिला के वीडियो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। मारिया पर्सकेवा नाम की इस महिला ने अपनी शादी के दौरान करीब 7 किलोमीटर लंबी ड्रेस पहनी थी। ड्रेस को एक मैदान में एक छोर से दूसरे छोर तक कई बार बिछाया गया था। इंस्टाग्राम पेज पर इस वीडियो के शेयर किए जाने के बाद ये वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए हैं और इस वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने एक फ्लाइट में लोगों को अप्रैल फूल बना डाला। कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन आ रही इस फ्लाइट में मौजूद कई लोगों के सामने जिल एक फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर नजर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिल बाइडन ने एक शॉर्ट ब्लैक विग, ब्लैक पैंट सूट और एक ब्लैक फेस मास्क लगाया हुआ था। जिल के इस लुक के चलते कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। जैस्मिन नाम की नेम प्लेट के साथ जिल ने प्लेन में मौजूद लोगों को आइसक्रीम बांटी थी। आइसक्रीम बांटने के कुछ मिनटों बाद ही जिल सबके सामने आई और जोर जोर से हंसने लगी। वहीं फ्लाइट में मौजूद लोग अमेरिका की प्रथम महिला को देखकर हैरान रह गए। ताइवान में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट के कुछ हिस्सों को काटकर कमोड में बहा दिया, क्योंकि उसे शक था कि वो उसके साथ चीटिंग कर रहा है। हुवांग नाम का ये शख्स 52 साल का है और इसके 3 बच्चे हैं। हुवांग जब सो रहा था तब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ इस खतरनाक घटना को अंजाम दिया। हुवांग की गर्लफ्रेंड ने किचन वाली कैंची से अपने बॉयफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट को काट दिया था। इसके बाद वो आधी रात को पुलिस स्टेशन चली गई थी और पूरी घटना के बारे में बताया था। हुवांग की गर्लफ्रेंड ने ये भी कहा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट को इसलिए फ्लैश कर दिया ताकि वो रीअटैचमेंट सर्जरी से उसे फिर से ना जोड़ पाए। जापानी कल्चर में कुछ नियम इतने अजीबोगरीब हैं जिसे लेकर अक्सर आलोचना होती रहती है। ऐसे ही कुछ नियमों को जापान प्रशासन ने खत्म करने का फैसला किया है। दरअसल एक रिसर्च में सामने आया था कि 14 स्कूलों में लड़कियों के लिए व्हाइट अंडरवियर ही पहनने का नियम है। जापान के कई पब्लिक स्कूलों में स्कूल टीचर्स छात्राओं की अंडरवियर के कलर को चेक भी करती थीं और व्हाइट कलर ना होने पर इन स्टूडेंट्स को सजा मिलती थी। इन नियमों को लेकर कई पेरेंट्स ने आपत्ति जताई थी और इसे बेहद निंदनीय करार दिया था। इस बेहद विवादित नियम को अब सागा प्रांत ने खत्म करने का फैसला किया है।